आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। प्लीज जो लोग मुझसे ये बात कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को मैं फ्री क्यों नहीं कर रहा हूँ बाकी और पिक्चरों की तरह, ताकि पिक्चर की टिकट सस्ती हो जाए, लोग जाएं से देखें, उसके पीछे एक ही कारण है कि कश्मीर फाइल्स देखना पाप है, क्योंकि बिट्टा कराटे मेरा बाप है। इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर, टैक्स फ्री की क्या जरूरत है। एक अग्निहोत्री को ये बात लगती है कि एक पिक्चर में वो सच दिखाकर मुझसे मेरा सब वोट बैंक छीन लेगा, दिल्ली के इन सोए हुए हिंदू को जगा देगा, तो वो बहुत गलत है। मैं फिर से इन्हें कोई फ्री की हड्डी फेंक कर दूंगा और उसके लालच के अंदर ये बेशर्म भागते चले आएंगे बड़ी बेशर्मी के साथ। हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मौजूद है। केजरीवाल जी, ये इस हालत में जंतर मंतर में क्या कर रहे हैं? अपना वोट बैंक बचाने आया हूँ। किससे बचाने आए? इन झूठे लोगों से जो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे यहाँ पर कि ये पिक्चर में सच दिखाया गया है, सच दिखाया गया है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर आप हंस रहे हैं। सर मैं हंस नहीं रहा था, मैं सर वो बदतमीजी कर रहा था, वो मैं एक बहुत घिनौना कृत्य कर रहा था। आप एक बात बताइए, अगर आपके आस पड़ोस में कुछ अगर ऐसा हो किसी बहन बेटी के साथ, क्या आप हंसेंगे? शायद आप नहीं हंसेंगे, शायद मैं भी नहीं हंसूंगा, लेकिन वो इतना नीच इंसान है ना, बस उसने सर नीचता की सारी हदें पार कर दी उसने। बिट्टा कराटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ जो लोग मुझसे ये बात कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को मैं फ्री क्यों नहीं कर रहा हूँ बाकी और पिक्चरों की तरह, ताकि पिक्चर की टिकट सस्ती हो जाए, लोग जाएं से देखें, उसके पीछे एक ही कारण है कि कश्मीर फाइल्स देखना पाप है, क्योंकि बिट्टा कराटे मेरा बाप है। लेकिन आपको और जी जो सड़क पर ऐसे चांटे पड़ते रहते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे फिर? सर रहा चलता बंदा मुझे चांटे मार देता है, इतने चांटे खा खा कर मैं CM बन गया हूँ। अब इस बयान के बाद शायद मुझे घूसे और लफ्ज़ भी मारे, शायद मैं PM बन जाऊँ। नहीं, और एक बात बताइए, जैसे आप लोगों के लिए लोग कहते हैं कि फ्रीबीज बांट देते हैं, फ्रीबीज कर देते हैं, इस वजह से लोग जो है, आपने जो टिप्पणी की कश्मीरी पंडितों के ऊपर, इसको भी भूल जाएंगे लोग? सर इसको लोग बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ना जब लोगों को ना जब लोग वोट देने जाते हैं किसी सरकार को, तो पहले अपना हित सोचते हैं, उन्हें मैं भी फ्री की बिजली दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, वो अपना हित देख रहे हैं ना कि वो देश हित देख रहे हैं। अगर वो देश हित देख रहे हैं ना तो मुझे वोट कभी नहीं देंगे सर। यानी देश हित देखेंगे तो आपको वोट नहीं देंगे? सर कभी नहीं देंगे। अगर जिसकी अगर विवेक अग्निहोत्री को ये बात लगती है कि एक पिक्चर में वो सच दिखाकर मुझसे मेरा सब वोट बैंक छीन लेगा, दिल्ली के इन सोए हुए हिंदू को जगा देगा, तो वो बहुत गलत है। मैं फिर से इन्हें कोई फ्री की हड्डी फेंक कर दूंगा और उसके लालच के अंदर ये बेशर्म लोग भागते चले आएंगे बड़ी बेशर्मी के साथ। क्या आगे भी कुछ ऐसा प्लान है कि ऐसे ही कुछ बोलना है और हिंदुओं को जो है फिर से ललकारना है? बिल्कुल करना है, मैं एक गिरा हुआ नीच इंसान हूँ, एक गिरगिट हूँ, मैं अपनी जात नहीं छोड़ सकता। चलिए ये तो राजनीतिक तौर पर आपने बताया, अब ये बताइए कि कश्मीरी पंडितों के लिए दिल से क्या फील करते हैं आप? मेरे दिल में तो हाफिज सईद बसा हुआ है। हाफिज सईद बसा हुआ है, खालिस्तान का सपना बसा हुआ है, एक आज़ाद देश का मुझे PM बनना है, राष्ट्रपति बनना है। PM बनना है, राष्ट्रपति बनना है, PM बनना है, तो प्रधानमंत्री बनना है मुझे। सोचिए ना, अभी आप खुद सोचिए, मैंने क्या कहा था अपने एक इंटरव्यू के अंदर कि विवेक अग्निहोत्री के पैरों में जाके मोदी जी गिर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया 8 साल के अंदर, जब पंजाब में हमारी सरकार बनी, जो हमने झूठे वादे वहाँ की जनता से किए, बहन बेटियों से करके, हम हर बहन बेटी को हर महीने 1000 रुपये देंगे, उनके खाते में आएंगे कि बिजली फ्री कर देंगे, पुराने बिल सब माफ़ कर देंगे, है ना, ये हमने कहा था। 2 दिन के बाद जब कोई CM बनता है हमारी पार्टी का नेता, हमने क्या करा, हमारा नेता जाके क्या बोल रहा है कि मोदी जी हमें प्लीज़ 50,000 करोड़ रुपये दे दीजिए, जो हमने झूठे वादे किए पंजाब की जनता से वो पूरे करने हैं। क्यों करते हैं? जाके मोदी के पैरों में गिर रहा है, और मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी किसी और के पैरों में गिर रहे हैं। अब गिरा हुआ कौन है असलियत में, आप बताइए, आप सोचिए, ये फैसला आपको करना है। नहीं तो क्यों गिर रहे हैं, क्यों मतलब इतने झूठे वादे क्यों? सर गिरे हुए लोग हैं, गिरेंगे ही, क्या करेंगे, सोचिए ना, गिरे हुए लोग हैं, मक्कार झूठे लोग हैं, क्या करेंगे, गिरेंगे ही ना। कुछ सोचा है कि कश्मीर फाइल्स को आगे जाके टैक्स फ्री करना है या लोगों को दिखाना है? सर बिल्कुल नहीं दिखाना, मेरे आका बुरा मान जाएंगे, हाफिज सईद क्या सोचेगा, बिट्टा कराटे मेरा बाप क्या सोचेगा? अगर सच सामने आ गया तो मेरे हाथ से पुरानी दिल्ली का पूरा वोट बैंक चला जाएगा सर, सोचिए ना। यानी पुरानी दिल्ली के लिए आप पूरे देश को मतलब इधर पे ठेस पहुंचाएंगे? सर मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुर्सी के लिए, पता है आपको, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने क्या वादे किए थे कि 500 स्कूल खोल के दूंगा, खोले मैंने, क्या खोले मैंने, शराब के ठेके एक पे फ्री करवा दी कि लोग पी के नशे में पड़े रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।